भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी परिश्रमी अध्यक्ष भाई अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी और प्यारे भाई और बहनों, 2019 लोकसभा का जनादेश हम सब देशवासियों के पास, ये चुनाव का विजय, कोई कहता है मोदी मोदी मोदी, ये मोदी का विजय नहीं है, ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आकांक्षाओं का विजय है, 21वीं सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नौजवान का विजय है। ये विजय आत्मसम्मान आत्मगौरव के साथ एक शौचालय के लिए तड़पती हुई उस मां का विजय है। ये विजय उस बीमार व्यक्ति का है जो चार चार पांच पांच साल से पैसों के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहा था, जिसका आज उपचार हो पाया उसके आशीर्वाद की विजय है। ये विजय देश के उन किसानों की है कि जो पसीना बहा करके राष्ट्र के पेट भरने के लिए अपने पेट को भी परेशान करते रहता है और खुद जहमत उठाता रहता है, ये उसकी विजय है। ये उन 40 करोड़ असंगठित मजदूरों की विजय है जिनको पहली बार लेफ्ट के लोगों ने विचार बहुत रखे होंगे, लेकिन इस देश में एक ऐसी सरकार जिस पर लेफ्ट का लेबल तो नहीं है, लेकिन 40 करोड़ लोगों के लिए, असंगठित कामदारों के लिए पेंशन योजना लागू करके उनको सम्मान जीवन देने का काम किया है, ये उनका विजय है। उन बेघर जिंदगी गुजारते गुजारते आज पक्के घर में रहने गए हैं, उनका विजय है। और जिनका 2022 तक पक्का घर बनना तय है, उनका विजय है। ये विजय उन मध्यम वर्ग के परिवार का है कि जो कानून नियमों का पालन करता रहा, जो देश की भलाई के लिए टैक्स देता रहा, लेकिन न उसे कभी सम्मान मिला और न ही कभी उसको भरोसा हुआ कि जो टैक्स देता है वो सचमुच में देश के काम आता है क्या। 5 साल तक उसने अनुभव किया कि जो दे रहा है वो सही जगह पे जा रहा है, सही काम आ रहा है। उस मध्यम वर्ग के मन को जो संतोष हुआ है, वो संतोष इस चुनाव नतीजों में नजर आ रहा है। ईमानदारी को जो ताकत मिली है, उस ताकत को इस चुनाव ने एक नई स्वीकृति दी है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी कालखंड में, ये 2019 से 2024 ये 5 साल का कार्यकाल, और इतना प्रचंड जनमत, प्रचंड मैंडेट, बहुत बड़ी घटना है जी, विश्व को अचंभित करने वाली घटना है। पल पल याद कीजिए, यही समय है जब महात्मा गांधी के 150 वर्ष देश मनाएगा, यही समय है जब 2022 में भारत की आजादी के 75 साल मनाएगा। गांधी 150 और भारत 75, ये हमारे लिए इन 5 साल को 1942 से 1947 के साथ हम प्रतिपल जोड़ करके देखें, 1942 से 1947 देश का हर व्यक्ति जो भी करता था आजादी के लिए करता था, स्कूल छोड़ देता था आजादी के लिए, जेल जाता था आजादी के लिए, खादी पहनता था आजादी के लिए, झाड़ू लगाता था आजादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजादी के लिए, स्वदेशी का पालन करता था आजादी के लिए। 42 से 47 तक, 47 तक एक जन आंदोलन ने देश को आजादी पाने में बहुत बड़ी मदद की थी। यह 2019 से 2024 ये कालखंड देश की आजादी के सिपाहियों का स्मरण करने का है, और देशवासी भी तय करें कि इन 5 साल का हम 130 करोड़ लोग, उस समय तो जनसंख्या भी इतनी नहीं थी और बड़ी बड़ी सल्तनत को परास्त कर दिया था, आज हम 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम संकल्प कर लें कि देश को सभी मुसीबतों से मुक्त करना है, देश को एक समृद्ध राष्ट्र की तरफ ले जाना है, एक विकसित भारत बनाकर के साथ लेनी है, हमारे गरीब से गरीब की सामान्य आवश्यकता है उसको पूर्ण करना है, अगर 2019 से 2024 जो स्पिरिट आजादी का था, वो स्पिरिट समृद्ध भारत के लिए बन जाए, स्वतंत्र भारत का वो स्पिरिट समृद्ध भारत का स्पिरिट बन जाए, 2024 के पहले देश को हम नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
सरकार तो बहुमत से बनती है और जनता ने बना भी दी है, लेकिन लोकतंत्र के संस्कार, लोकतंत्र का स्पिरिट, भारत के संविधान का स्पिरिट हमें इस बात के लिए जिम्मेवारी देता है कि सरकार भले बहुमत से बनती हो लेकिन देश सर्वमत से चलता है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से जो बातें बताता हूं उसको जीने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।